हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको होली की तैयारियां दिखाएंगे कि क्या क्या हमने तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि अब होली क्या है बहुत ही नज़दीक आ गई है दोस्तों। तो बस आज हम आपको यही बताएंगे कि क्या क्या हमने तैयारियाँ की हैं, क्या हमने मार्केट से खरीदा है, किस तरह के हम सामान लाए हमने ठाकुर जी राधा रानी के लिए। और दोस्तों साथ ही ये काफ़ी अच्छा शॉपिंग मॉल होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम डेली के अपडेट्स देते हैं दोस्तों, ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन कराते हैं आपको। वहाँ भी हम जो है वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स पहले ही डाल देते हैं यूट्यूब पर, आप तो हमें जाके वहाँ ज्वाइन कीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं आपको कि ये जो भी शॉपिंग की है, हमने जितनी भी शॉपिंग की है, ये हमने अपने लोकल मार्केट से की है। चलिए आपको दिखाना शुरू करते हैं हम एक एक करके, क्योंकि दोस्तों ये होली का त्यौहार है, तो सबसे पहले हम होली के सामान से रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या सामान हम लाए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लाए हैं हम बहुत ही क्यूट सी पिचकारी हमारे ठाकुर जी के लिए। दोस्तों कुछ ऐसी पिचकारी, ऊपर से पानी भरेंगे, यहाँ से जो है कलर निकलता है इसमें ऐसे करके, तो ये हमारे ठाकुर जी के लाए हैं हम दोस्तों। ये हमें 30 रुपीज़ का आया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा है दोस्तों। ये हमने लिया है ठाकुर जी के लिए। उसके बाद दिखा देते हैं आपको हमारे राधा कृष्ण के लिए पिचकारी, ये हमने ली है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सी और छोटी छोटी पिचकारियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी दोस्तों। ये हमें 20 रुपीज़ ईच की पड़ी है। उसके बाद दोस्तों हमने ली है ये दो बाल्टियाँ, ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं। और दोस्तों ये आप गोटा देख रहे हैं इसमें, ये गोटा हमने इन्हीं के लिए लिया है सजाने के लिए, क्योंकि ये बाल्टियों को हम पिचकारियों को हम सजा देंगे अभी इस गोटे से, तो बहुत ही सुंदर लगने वाली हैं। ये प्लास्टिक की बाल्टियां हैं दोस्तों, ये हमें कुछ 20 रुपीज़ ईच की मिली हैं। तो दोस्तों हम इसको ऐसे लगा देंगे तो जो है काफ़ी, जब दोस्तों उसमें पानी भर जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद हम इसको ऐसे लगा देंगे तो क्या है ठाकुर जी की कलर्स भर के बहुत ही अच्छा लगेगा इस दोस्तों, उससे झांकी का काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो यही हम लाए हैं दो बाल्टियाँ ठाकुर जी के लिए। के बाद है दोस्तों एक टॉय खिलौना, ये हमें मिल गया था तो हमने ले लिया था, काफ़ी अच्छा सा है आप देखिए, ये भी हमने लिया था एक। कभी कभी क्या है झांकियाँ लगाते हैं तो उसके लिए अच्छी लगती है दोस्तों ये। उसके बाद है दोस्तों ये दो पैकेट वाटर बलून्स के, उनकी झांकी में सजाने के लिए और बाल्टी वगैरह में डालने के लिए। उसके बाद है दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल हर्बल कलर बनाने के लिए। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है कि होली कैसे खेलें ठाकुर जी के साथ, तो उसमें हमने बताया है आपको कि आप ठाकुर जी के साथ जो है टेसू के फूल से जो होली खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये वही टेसू के फूल हैं, ये सूखे हुए फूल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये इसका हमारा पूरा पैकेट जो है 30 रुपीज़ का पड़ा है, क्योंकि ये 300 रुपये किलो के हिसाब से आता है। तो इसको जो है हम होली पे ऐसी से नेचुरल कलर बनाएंगे ठाकुर जी के लिए। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको जो है होली से कलर बनाना बता देंगे कि आप इनसे जो है कलर कैसे बनाएं। तो ये भी हमने लिया है ठाकुर जी के लिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है गर्मी बहुत ज़ोर से आ गई है, तो हमने लिया ठाकुर जी के लिए ये दो मिट्टी की हांडी। इनमें दोस्तों ये ऐसे पानी भर के रखेंगे हम ठाकुर जी के लिए, तो सही रहेगा, काफ़ी ठंडे रहेंगे ठाकुर जी का पानी। तो ये हमने दो लिए हैं, बाई चांस एक जैसे ख़राब हो जाए या बाई चांस कोई फूट फाट जाए तो दो सही रहती हैं दोस्तों, ये हमने लिए हैं। साथ ही दोस्तों हमने लिया एक सफ़ेद कपड़ा, साफ़ी जिसको बोलते हैं दोस्तों, हमने ये इसलिए लिया है जिस पर हम ठाकुर जी को बिठाएंगे, बिछा के इस पर सफ़ेद दिया तो इस पर रंग बहुत अच्छे से उभरेगा, इसलिए हमने ये लिया है, काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों ये। तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी चीप मिल जाते हैं दोस्तों आपको पूजा वाली शॉप पर, तो ये हमने लिया है। उसके बाद लिया दोस्तों हमने ये दो परफ्यूम, ये बहुत ही अच्छी दोस्तों स्पेशली फॉर ठाकुर जी के लिए बनाई गई हैं ये परफ्यूम। तो आप देख सकते हैं इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, आप इनको ऐसे भी खोल सकते हैं और ऐसे भी ठाकुर जी को डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी पैकिंग है दोस्तों, बहुत क्यूट सी पैकिंग है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए। तो दोस्तों ये दो लाए थे हम, क्योंकि अभी हमें दो ही मिले हैं ऐसे चंदन और गुलाब के, बाद में और मिल जाएंगे तो हम और भी लेके आएंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों। ये भी देखिए काफ़ी अच्छे से आइटम है, तो हमें लगे थे तो हम लेके आए ठाकुर जी के लिए। तो चलिए आप दिखा देते हैं आपको हम पोशाकों की शॉपिंग जो कि हमने करी है दोस्तों। अगर शॉपिंग करें और ठाकुर जी के लिए पोशाक ना ले दोस्तों तो अधूरा सा ही लगता है, इसलिए देखिए हमने लिए हैं हमारे गोपाल जी और राधा रानी के लिए ब्लैक कलर की पोशाक। आप देख सकते हैं सब प्राइजेस भी लिखे हैं दोस्तों, ये 120 इंच की पड़ी है और काफ़ी सुंदर पोशाक है दोस्तों। ये नेट का वर्क है, इसमें हम आपको एक पीस खोल के दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छा सा है दोस्तों ये पोशाक, मतलब देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही रॉयल लुक आ रहा है दोस्तों इस पोशाक का। आप देख सकते हैं इसमें नेट का वर्क है, इसमें मोतियाँ भी हैं, मिरर वर्क भी है और स्टोन भी है, मतलब काफ़ी अच्छा हैवी लुक है इस पोशाक का। तो इसको भी हम लेके आए हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी के लिए। इसकी दोस्तों हम छोटे ठाकुर जी के पोशाक और दिखाते हैं आपको, इसमें
देखिए दोस्तों, ये रही हमारे छोटे ठाकुर जी की पोशाक। ये भी एकदम मैचिंग से छोटी मिल गई थी हमें, आप देखिए इसकी मैचिंग की ही है बिल्कुल। तो ये भी हमारे ठाकुर जी के लिए लेके आए। इसके बाद दोस्तों ये देखिए रेड कलर की एकदम से लाइट वेट पोशाक है, पर देखने में बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये पोशाक। तो ये भी हमने ठाकुर जी के लिए ली है। कितनी प्यारी पोशाक है दोस्तों, आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी पोशाक अच्छी लग रही है, क्या क्या सामान आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों ये तो बहुत ही सुंदर सी पोशाक है, आप देखिए और तीनों का एकदम मैचिंग है। तो इसमें ठाकुर जी लगने वाले हैं हमारे बहुत ही प्यारे, और राधा रानी तो दोस्तों आपको पता ही है कितनी सुंदर लगती हैं दोस्तों राधा रानी हमारी। देखिए इसके बाद हम लाए हैं डेली वेयर के लिए ठाकुर जी के लिए, आप देखिए ये भी काफ़ी अच्छी पोशाक है दोस्तों। डेली वेयर ग्रीन कलर की लाए हैं हम, दो मैचिंग की। पहले हमारे पास ग्रीन कलर की पोशाक थी दोस्तों, पर क्या है मैचिंग नहीं था एकदम से, तो अब हमारे पास जो है मैचिंग हो जाएगी। पर फिर देखिए दोस्तों छोटे ठाकुर जी के फिर हमें मैचिंग नहीं मिली है, क्योंकि मिलना कह रहे हैं दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से मैचिंग मिलना, पर यह है काफ़ी हद तक मिल गया है। मतलब उनके लिए ये बंदेज प्रिंट आया है, शायद उनको यही पहनना होगा बंदेज प्रिंट, देखिए इसीलिए ये लाए हैं हम। बहुत ही सुंदर लग रही है दोस्तों ये वाली पोशाक भी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट्स में दोस्तों। और दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको एक राधा कृष्ण की पोशाक। आप कहेंगे हमारे पास राधा कृष्ण तो है ही नहीं, पर दोस्तों क्या है ये पोशाक है एकदम प्लेन है दोस्तों, पर क्या है दोस्तों ये उन पर पहनाएंगे ना राधा छोटे वाले गोपाल जी को, तो उन पर जो इनका लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए राधा रानी का ये लहंगा है, ये उनका जो है ये गोपाल जी का पटका है, ये उनकी धोती है, और ये हमारी राधा जी का चुन्नी है, और इनकी चोलियाँ हैं, दो चोलियाँ जो इनमें अटैच आई। तो ये भी आप देखिए ये भी उन पर लगने वाला है बहुत ही सुंदर, जब उनको पहनाएंगे तो श्रृंगार ज़रूर शूट करेंगे दोस्तों। और आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे फिर हमारे गोपाल जी। तो देखिए एक लाए थे हम पगड़ी होली के लिए वाइट कलर की, जो कि काफ़ी अच्छी है दोस्तों, और ये हमें 45 रुपीज़ की पड़ी है दोस्तों। जिन पर भी प्राइस लिखी है वो हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे कि आप ये राधा कृष्ण का सेट देख रहे हैं, ये हमें पड़ा था 60 रुपीज़ का, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये पगड़ी के बाद दिखाते हैं आपको कुछ और डिज़ाइन की पगड़ी हैं, जो हमने हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए ली हैं दोस्तों। ये है मेवाड़ी पगड़ी, ये हमने दोस्तों ऑनलाइन मंगाई हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इनका जो है नंबर शेयर कर देंगे। देखिए ये मेवाड़ी पगड़ी हम बहुत ही सुंदर लगती हैं दोस्तों ये ठाकुर जी के ऊपर। तो देखिए इस तरह की कुछ पगड़ियाँ ये हमने 4 कलर की मंगाई हैं, काफ़ी सुंदर पगड़ियाँ हैं दोस्तों ये। इसके बाद दिखाते हैं आपको थोड़ा सा ज्वेलरी कलेक्शन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान जो हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार में काम आएगा। देखिए दोस्तों ये है कमल छड़ी, अगर आपने श्रीनाथ जी साइड देखा होगा तो वहाँ जो है उनमें कमल छड़ी लगाई जाती है, तो इस तरह से जो है हमने भी मंगा लिया है दोस्तों हमारे ठाकुर जी के लिए कमल छड़ी। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, ये एकदम से यूनिक सा पीस है ये। इसके बाद देखिए ये हैं हमारे राधा कृष्ण के लिए, ये जो कमल के हार होते हैं वो हैं ये, बहुत ही सुंदर है दोस्तों आप देखिए। मतलब इनमें आपको खोल के दिखा देते हैं एक पीस हम, देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पीस है एकदम से। और दोस्तों कमल का फूल बना है इन पर, जैसे कि इसकी क्या है बहुत पुण्य होता है दोस्तों इस माला को पहनाने का भी, क्योंकि जैसे कि हमें कभी ये क्या है कमल के फूल चढ़ाने हो ठाकुर जी को और हमें नहीं मिल पाते, तो हमें अगर ये माला पहनाएंगे तो उसका भी वही प्रभाव होगा, क्योंकि दोस्तों हमें मिल नहीं रहे इसलिए, तो हमने इस तरह से माला उनको पहना सकते हैं। तो देखिए कितने प्यारे, एक हमारे ठाकुर जी के लिए एक हमारी राधा रानी के लिए। तो दोस्तों छोटे जो ठाकुर जी के लिए जो है वो साइज़ नहीं मिल पाता है, बड़ी समस्या आती है इस हिसाब से। तो ये देखिए कैसे लगा आपको ज़रूर बताइए ये वाला। इसके बाद दो जो चोकर हार हैं ठाकुर जी और राधा रानी के लिए, ये भी बहुत सुंदर है दोस्तों, और काफ़ी उनके जो पूरा भरा भरा लुक आएगा उनकी नेक पर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पीस है दोस्तों ये भी एक। उसके बाद दिखाते हैं आपको एक छोटा चोकर हार, ये भी दोस्तों काफ़ी सुंदर है, पर दोस्तों इसमें जो है हमें एक ही पीस मिला था, आप देखिए कितना प्यारा पीस है ये, एकदम से छोटा सा हार और बहुत ही क्यूट सा है ये, तो आप बताइए आपको कैसा लगा। उसके बाद दोस्तों ये है एक कमल का हार, जो कि आपने देखा होगा वन माला जिसको बोलते हैं हम, ये भी काफ़ी सुंदर है और एकदम से यूनिक सा पीस है आप देखिए। तो ये भी हमने ठाकुर जी के लिए लिया है दोस्तों। दोस्तों ये आप जो ज्वेलरियाँ देख रहे हैं ना इतनी सारी, ये हमने सारी ऑनलाइन मंगाई हैं, और जितना भी एक्स्ट्रा सामान पीछे दिखाया था हमने आपको वो सारा हमने जो है लोकल मार्केट से लिया है। और ये जो चुंदरी देख रहे हैं ये हमने राधा रानी के लिए ली है, ये 20 रुपीज़ की है, और ये हमने लिया हमारी राधा रानी के लिए, क्योंकि उनको चुंदरिया वाला जो श्रृंगार है काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमने उनके लिए लिए हैं।
इसके बाद दोस्तों ये है टॉवल जो ठाकुर जी को हम जिससे प्रोक्षण करते हैं उनका अनुप्रोक्षण, उसके लिए हमने लिए हैं ये 3-4 टॉवल, काफ़ी अच्छी है दोस्तों। इनकी क्वालिटी एकदम से सॉफ्ट है और एकदम बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी के हैं दोस्तों, मतलब ठाकुर जी को कहीं से कहीं चुभने वाले नहीं है, एकदम से सॉफ्ट है, एकदम मलमल जैसा कपड़ा होता है वो कपड़ा है इनका। दोस्तों यही थी हमारी शॉपिंग, एक बार आप फिर से देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसी लगी आपको ये शॉपिंग, ज़रूर बताइएगा दोस्तों मैं कमेंट्स में। अगर आपको पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे, जय माता दी।